चोरी की तीन घटनाओं का एसपी निपुण अग्रवाल के निर्देशन में थाना मुरसान पुलिस ने 48 घंटों में खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही चोर के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद पुलिस के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि थाना मुरसान क्षेत्र मथुरा रोड स्थित जिला कलेक्ट्रेट के पास बनी तीन दुकानों को 25 और 26 दिसंबर की रात में अज्ञात चोरों द्वारा निशाना बनाते हुए दुकानों की छत और दीवार काट कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना की जानकारी होने पर खुद पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए थाना मुरसान पुलिस को निर्देशित किया था। इसी क्रम में कार्य करते हुए थाना मुरसान पुलिस ने घटना में शामिल हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से दुकानों से चुराए गए सामान को बरामद कर लिया। साथ ही घटना का खुलासा करते हुए आरोपी चोर को जेल भेज दिया है। दिनांक 25 व 26 की रात्र को कलेक्ट्रेट बम्बा के पास बनी तीन दुकानों को अज्ञात चोरों द्वारा कूमिल लगा के व छत काट करके चोरी की गई, जिसमें से दो मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकानें थी और एक जनसेवा केंद्र था। पुलिस अधीक्षक हाथरस महोदय के निर्देशानुसार SHO मुरसान को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाए। इस संबंध में तीन टीमों का गठन किया गया। दो दिवस के अंतर्गत पुष्पेंद्र और पुष्पा निवासी खेड़ा बरामई को असरोही बम्बा से हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से दो चैनीज पॉकेट, 16 मोबाइल डिब्बा, 4 टायर, 3 ट्यूब व 4 चेन कवर और 11 ट्यूब मोटरसाइकिल और एक मोटरसाइकिल जो घटना में शामिल थी। बरामदी और गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।